हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि बहुत ही हेल्दी बालों की रेमेडी, वो भी अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं या आपके बाल उगने से रुक गए हैं, तो आप इस तरीके से आपके बालों की केयर कर सकते हैं, रीग्रोथ पा सकते हैं अपने बालों को। तो इस तरीके से आप रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और बहुत ही लंबे घने मोटे हो जाएंगे, मैं यकीन से बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो उस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डाल दिए हैं आधा लीटर पानी ले लिए हैं। तो इस पानी में हमने डाल दिया कड़ी पत्ते, आधी चम्मच के करीब डाल दिए कलौंजी। आप ये दो तीन चीज़ मिक्स करके ये रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे सिल्की शाइनिंग और एकदम इतने घने लंबे हो जाएंगे, खुद देख के चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, आपको कंटिन्यू अप्लाई करना है ये चीज़ों को। आधी चम्मच डाल दिए मेथी दाने, तो मेथी दाने भी आप जान सकते हैं कि ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते, हमारे बालों को सिल्की शाइनिंग और मजबूत बनाते हैं, और अगर आपकी इनकी ग्रोथ रुक गई है तो उसको वापस से रीग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे बालों को मजबूत करते हैं। तो इसमें आपको मेथी को आपको रात को भिगो कर आप इसके पानी से वैसे भी बालों को धो सकते हैं, लगा के आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती भी आपको बालों को एकदम सिल्की शाइनिंग और एकदम काला करती है, वो बहुत ही मजबूत करती है। अगर बाल आपके जड़ से एकदम उखड़ रहे हैं तो उस तरीके से वो बालों को वापस से मजबूत करने का काम करती है चाय पत्ती है जो। तो इनको सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से उबालना है आपको, कि तब तक उबालना है इसका पानी आधा न रह जाए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके लाइक शेयर और फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये चीज़ हमने इसमें डाल दी अदरक, तो आप इस रेमेडी को आप इसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो आपके बाल खुद देख के चौंकेंगे कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ें डाल कर अब इसको उबाल लेंगे। और आपको अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में तो आप इसको रात को भिगो के आप इसको रख दीजिए और आप सुबह इसके पानी से आपके बालों को धो के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए बालों में रख लेना है, बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे आपके। तो देख सकते हैं अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। और इसी में आप आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए। आंवला पाउडर में भी विटामिन सी होता है तो वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छा मजबूत और सिल्की शाइनिंग और एकदम चमकदार बनाता है वो। तो चलिए अब इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं यकीन से बोल रही हूँ, बहुत ही हेल्दी रेमेडी होने वाली है, तो आप भी इसको जल्दी से जाके ट्राई करें, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। खुद देख के इसको यकीन नहीं मानोगे कि ये मेरे बाल या दूसरे के इतने अच्छे बाल होने वाले हैं। आप इसको छोटे से लेके बड़े बच्चों तक भी लगा सकते हैं। इसमें डाल दिए हमने नारियल तेल डाल दिए हैं, तो आपको अलग से इसमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा डाल दिए, आधी चम्मच के करीब डाल दिए इसमें एलोवेरा जेल। तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती है हमारे बालों के लिए, तो सभी चीज़ें आपको एक ही रेमेडी में मिलने वाली है। और इसको आप फ्रेंड्स कंटिन्यू आपको अप्लाई करना है, कम से कम आपको महीने भर तो इसको कंटिन्यू अप्लाई करना है, तब आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। एक या दो बार में लगाओगे तो आपके बालों की शाइनिंग और चमक इतनी ज़्यादा हो जाएगी, खुद देख के इसमें चौंकेंगे। और आपके बालों की लेंथ को आपको अगर बढ़ाना है तो आप इसको थोड़ा कंटिन्यू अप्लाई करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इन चीज़ों को हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई हमारे बालों को बहुत ही अच्छा मजबूत करती है, अगर आपके बाल अगर रुक गए हैं बढ़ने से तो उसको वापस से रीग्रोथ करती है। फ्रेंड्स, तो इसमें भी तेल ही होता है ये, इस तरीके से इसका तेल को पूरा निकाल लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल में। और अब इस रेमेडी को आप एक रेमेडी में आपको सारी चीज़ें आपके बालों के लिए फ़ायदा कर देंगी, इसमें इसी रेमेडी को बना के ट्राई करें और सभी चीज़ें आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा इस तरीके से बना के अप्लाई करेंगे तो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, जो भी कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।